जो है जो यहाँ कोई हाकिम हुकुम सुनवाई नहीं ले रहा है। हम लोग का 10 गांव के चलने के लिए बहुत कठिनाई हो गया है। इस तरह में न कोई हाकिम सुन रहा है, न कोई विधायक सुन रहा है। हम लोग क्या करें, 3 बार 4 बार धान रोप लिया, धान भी दौड़ दिया, धान भी एक फसल होने वाला नहीं है। यही समस्या है, हम लोग यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कितना फसल नुकसान? यहाँ फसल तो पूरा सब मैंने सरहे मैंने खत्म हो गया। जब 3 बार हम लोग धान रोपा, खरीद कर दिया, लेकिन एक पेड़ यहाँ धान होने वाला नहीं है। आने जाने का हम लोग का बहुत कष्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे पानी बढ़ रहा है तेजी से, ये लगा 3री बार बाढ़ आ गया। 2 बार आदमी फसल रोपा, 2 बार बर्बाद हो गया। थोड़ा बहुत बचा भी था तो बाल से टूट गया, बारिश से सारा बाल भीज गया है। फसल बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे ना कोई प्रशासन आया है, ना कोई मंत्री आया है, ना सरकार का कोई अथी आया है जाँच उच करने के लिए। देखिए हम लोगों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे सरकार के माने आदमी आना चाहिए, देखना चाहिए से क्या क्या है नहीं है। यहाँ का विधायक भी है लाल बाबू गुप्ता, वो भी नहीं आते हैं, वो कभी देखते नहीं है जनता को से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए हम लोगों का क्या होगा, जब फसलें बर्बाद हो जाएगा हम लोगों के खाएंगे कहाँ से, हम लोगों के आएगा कहाँ से। खेती बाड़ी जब बर्बाद हो जाएगा तो हम लोगों का दूसरा आधार भी नहीं है। इसलिए रह रहे कि एक बार बाढ़ आया तो उस घर दह गया, उसके बाद फिर आया बाढ़ और कोई भी सरकारी जो है क्या कि नहीं मिल रहा है। लाभ यहाँ कैसे रह रहे हैं, कितनी की संख्या में आप लोग यहाँ? 300 से 400 के लोग के बीच हम लोग रह रहे हैं, जैसे कैसे गुजर बसर करे तो हम गुजार कर। ABP News आपको रखे आगे।